नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। बहुत सारे युवक और युवतियां जो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग रहे हैं, उनको यह वीडियो देखना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है, पहला सवाल बार बार ये आ रहा है। दूसरा सवाल है कि रेलवे में टीटीई और टीसी की भर्ती कब आएगी, तो उसके लिए भी आज इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। समझते हैं रेलवे की इस शानदार भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी हिंदी में। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी क्या होता है इसके विषय पर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी में एक तो ग्रेजुएट वालों के लिए भर्ती है और दूसरा है अंडर ग्रेजुएट। सर, ये ग्रेजुएट क्या होता है? ग्रेजुएट का मतलब है जिसने स्नातक की डिग्री ले रखी है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, अदर कोई भी डिग्री ले रखी है वह ग्रेजुएट के लिए आता है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है 12वीं पास ओनली, यानी कि यह भर्ती एक तो 12वीं पास के लिए आई है और यह स्नातक पास के लिए आई है। 12वीं में चाहे कोई भी स्ट्रीम्स के साथ आपने पास आउट किया हो, कला, मैथ्स, किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ग्रेजुएट पोस्ट की। अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी अप्लाई डेट है 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर, ठीक है? तो इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं लेटेस्ट। एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी आवेदन की तिथि है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर, ठीक है? तो इस चीज का थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। बाकी ग्रेजुएट की बात करें तो जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अभी वह चल रहा है, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक दो मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर, मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा हूं, अलग अलग कह रहे थे, तो मेरी फाइनल ईयर है, क्या मैं भी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट, जो अंडर ग्रेजुएट है इसमें 12th पास सभी कैटेगरी का बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। अंडर ग्रेजुएट की आयु सीमा के बारे में अगर बात करें साथियों, तो यहां जनरल के बच्चों की आयु 18 से 33 वर्ष होना चाहिए, ओबीसी के बच्चा की आयु 18 से 36 साल, एससी एसटी के बच्चे की आयु 18 से 38 साल, ऑल कैटेगरी महिलाओं की आयु 18 से और 38 साल होना जरूरी है। आपको बता दूं कि यहां पर नोटिफिकेशंस जो है जारी कर दिया गया है। बात करते हैं ग्रेजुएट के लिए आयु सीमा की, तो जनरल 18 से 36 वर्ष, ओबीसी 18 से 39 वर्ष एंड एसटी और एससी का बच्चा है 18 से 41 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है, ऑल कैटेगरी की महिलाएं 18 से 41 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। इस बार दोस्तों आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। आपको पता होना चाहिए कि जनरल की आयु सीमा 30 वर्ष थी, लेकिन यहां 33 वर्ष कर दी गई है, उसी अनुसार आपको कैटेगरी वाइज 3 वर्ष की छूट मिल गई है। यहां केवल 33 वर्ष थी, लेकिन 3 ईयर्स और बढ़ा दी है तो वो 36 वर्ष हो चुकी है। साथियों, बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आई है एनटीपीसी रेलवे की। तो इसमें एक तो पद है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लेवल 3 के अंदर आता है। दूसरा है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 के अंदर आता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2, ट्रेन क्लर्क लेवल 2 और जूनियर टाइम कीपर लेवल 2। अब मुझे आपका एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज चाहिए। आप मुझे बताना कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, तो 12वीं से अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी
कौन सी फेवरेट पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा और हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं, आप वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट यानी कि स्नातक वाला कौन कौन से पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। पहला है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 के अंदर आता है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 के अंदर आता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 के अंदर आता है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंदर आता है, सीनियर कम टाइम एफिस्ट लेवल 5 के अंदर आता है। अब मुझे बताना कि ग्रेजुएट वालों के लिए कौन सी आपकी फेवरेट पोस्ट है। दोस्तों यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स होगी, उसके बाद सीबीटी 2 परीक्षा होगी और टाइपिंग और होगी। आपको बता दूं कि टाइपिंग में अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड रहनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट रहेगी। विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, कितना समय मिलेगा क्या कुछ। टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फाइनली मेडिकल इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आपका आएगा कि सर यहां पर टाइपिंग जो होनी है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए होनी है, वह हमें बता दीजिए। यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिस समय आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। अगर आप टाइपिंग वाले पद को चॉइस कर लेते हो तो मैं समझता हूं बाद में आपको एग्जाम्स तो देनी ही होगी, नेक्स्ट टाइपिंग और देनी है। क्यों ना टाइपिंग वाले पद के लिए पोस्ट प्रेफरेंस ही ना दो, क्यों ना टाइपिंग वाली भर्ती को, टाइपिंग वाली पोस्ट को चॉइस ही ना करो। दोस्तों यहां पर एक तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की सबसे पहले बात करूं, अगर आप 12वीं पास हो और अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला पद चॉइस करते हो तो इसके लिए टाइपिंग होगी। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए टाइपिंग होगी। और आपका थर्ड है जूनियर टाइम कीपर, इसके लिए टाइपिंग होगी। अंडर ग्रेजुएट मैंने कहा था कि फेवरेट कौन सी है, अगर मेरी बात करो कि फेवरेट कौन सा पद है तो यहां पर मेरे लिए तो दोस्तों ट्रेन क्लर्क है, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा अप्लाई करेगा बच्चा जिसको पता है, मैं समझता हूं 80% बच्चे ऐसे हैं जो कोई मतलब बिना मतलब के ही मनपसंद चॉइस ना करके कुछ में भी फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये मैंने क्या किया, फिर पछताने लायक जगह नहीं मिलती है। इसलिए ये जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला। अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से पद है जिनके लिए टाइपिंग होनी है। तो पहला पद है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए टाइपिंग होगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए टाइपिंग होगी। अगर आप कहो कि सर आपका फेवरेट इनमें से कौन सा है ग्रेजुएट वाले में से, तो मेरा है स्टेशन मास्टर। और आपको बता दूं कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे हम गुड्स गार्ड कहते हैं, तो गार्ड और स्टेशन मास्टर मेरे फेवरेट पद है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी टाइपिंग नहीं होना है। प्यारे साथियों आपका सवाल आएगा, सर यहां पर आपने एक तो टीसी की चर्चा नहीं की और एक टीटी की चर्चा नहीं की। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये टीसी और टीटी की भर्ती कब आएगी रेलवे में। आज यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित रहेगा। प्यारे साथियों रेलवे टीसी और टीटी की भर्ती यहां पर आ चुकी है। सर कहां आई है, यही आ चुकी है, अलग से कोई भी भर्ती नहीं आएगी। अगर आप रेलवे टीसी की बात करते हो, टिकट क्लर्क की बात करते हो, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में झांकोगे तो यहां पर जो ट्रेंस क्लर्क दिखाई दे रहा है इसी को हम टीसी कहते हैं। आ गई ना टीसी की भर्ती। आप बात करोगे सर टीटी की भर्ती कहां आई है, तो आप ग्रेजुएट वाले पद में जाओगे तो यहां पर आपको टीटी की वैकेंसी भी दिखाई दे रही है। तो रेलवे में टीसी और टीटी की भर्ती भी आ चुकी है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि रेलवे में टीटी की भर्ती भी आ चुकी है क्या। बिल्कुल आ चुकी है, मैं पहले से ही कह रहा था कि एनटीपीसी की जब रिक्रूटमेंट आएगा उसी में टीसी और टीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो आज आपको मिली है।
नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ₹500 तो जनरल की फीस लगेगी और ₹250 SC ST की लगेगी। बाद में ₹400 आपके बैंक के खाते में रिफंड हो जाएगा जनरल वालों का और ₹250 SC ST का रिफंड हो जाएगा। लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो जिस अकाउंट्स को आप उस समय दोगे तो उसी अकाउंट में वो ट्रांसफर आपका ये रिफंड होगा। इसलिए जब फॉर्म किसी से भरवाओ उस समय अपने अकाउंट्स का नंबर ही देना, क्योंकि आपके ही बैंक अकाउंट्स में फिर पैसा आएगा। ये रिफंड उस स्थिति में मिलता है जब आप CBT फर्स्ट परीक्षा दोगे। यदि आप CBT फर्स्ट परीक्षा नहीं देते हो, केवल फॉर्म ही अप्लाई करके पटक देते हो, तो आपको ये रुपये रिफंड नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों, परीक्षा की स्कीम जो आपकी एक नौकरी लगाएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले CBT फर्स्ट की बात करता हूं। 90 मिनट का समय मिलेगा, कंप्यूटर वैसे टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 90 मिनट को बोलते हैं 1.5 घंटे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप 3 क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क यहां पर काट लिया जाएगा। यहां पर दोस्तों गणित आपको देखनी है, 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। रीजनिंग्स आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। GK जिसके अंदर स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सब कुछ आ जाता है। 40 क्वेश्चन GK के पार्ट के रहेंगे जो 40 मार्क के रहेंगे। आपको बता दूं कि CBT फर्स्ट केवल पास करना है, इसको कोई भी यहां पर आपको मेरिट में नहीं नंबर आएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट जब आप CBT फर्स्ट पास कर लोगे तो CBT 2 में पहुंच जाओगे और CBT 2 पर ज़्यादा फोकस देना है। समय आपका वही 90 मिनट का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। गणित का यहाँ पर 35 क्वेश्चन कर दिए हैं 35 मार्क के। रीजनिंग्स के यहाँ पर 35 क्वेश्चन 35 मार्क के। और GK का पार्ट 50 का कर दिया है, तो 50 प्रश्न आएंगे 50 अंक के। यहीं से मेरिट बनेगी। फाइनली आपकी जो नौकरी लगनी है वो CBT 2 से ही लगेगी। अगर आप टाइपिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो CBT 2 के बाद नेक्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कुछ इस प्रकार रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि बिना टाइपिंग वाले पदों के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो केवल CBT फर्स्ट जो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, और लास्ट में आपका CBT 2 और फाइनली आपकी नौकरी लग जाएगी। सवाल आ रहा था कि RRB NTPC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, परीक्षा केंद्र कहां रहेगा, एग्जाम सिटीज एग्जाम सेंटर कहां रहेगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जोन वाइज आपको फॉर्म फिलिप करना है। अलग अलग जोन वाइज ये भर्ती आई है। कट ऑफ जो निकलती है आपकी जोन वाइज अलग अलग निकलती है, लेवल वाइज भी अलग अलग निकलती है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर लेवल बताया, अंडर ग्रेजुएट के लिए तो लेवल 2 और लेवल 3 आ रहा है, ग्रेजुएट के लिए लेवल 5 और लेवल 6 आ रहा है। तो उसी अनुसार आपकी यहां पर कट ऑफ निकलने वाली है, अलग अलग जोन की अलग अलग। दोस्तों CBT फर्स्ट जब एग्जाम्स आपका होगा तो उसका जो परीक्षा केंद्र रहेगा, उसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा, होम एड्रेस रहेगा, यानी कि जिस राज्य के हो, जिस जिले के हो, उसी जिले के बड़ी सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, आपके घर के नजदीक ही रहेगा। CBT 2 की बात करें तो जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी जोन में परीक्षा केंद्र रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आपका टाइपिंग भी उसी जोन्स के अंदर रहेगा जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है। दोस्तों आपको बता दूं, दूसरी कंडीशन ये भी बन जाती है कुछ बच्चों के साथ, CBT फर्स्ट की बात करें तो जिले वाइज राज्य वार बड़ी सिटी में एग्जाम सेंटर रहेगा ही, लेकिन CBT 2 की बात करूं तो राज्य में कहीं भी किसी भी जगह जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स सिटियां बनाई गई है, एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, वहां भी रह सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, टाइपिंग आपकी जोन वाइज रहेगी ही, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर NTPC का जो एग्जाम्स सेंटर है वो कहां कहां रहेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल से आपको RRB NTPC क्या होता है इस सवाल का जवाब मिल चुका है। अब आपका काम है
फॉर्म डालिए और अच्छे से एग्जाम्स पैटर्न को समझिए और लग जाओ तैयारी में, क्योंकि इसकी परीक्षा भी बड़ी जल्द होगी। रेलवे में विभिन्न प्रकार के पदों पर आपके लिए शानदार मौका है। रेलवे ने खुद से कहा है कि छांट लो बच्चों, जो आपकी मनपसंद की पोस्ट है, जो मनपसंद की नौकरी है, उसको आप छांट लो और उसी की एग्जाम्स के पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो। 12वीं पास ये रही, ग्रेजुएट पास ये रही, टाइपिंग वाली आपको मैंने बताई, नॉन टाइपिंग वाली आपको मैंने बताई। अब आपका क्या सवाल है कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।